चार कुछ था ना, वो सब किसी कुछ नहीं, कुछ था, नहीं था। आप थे उस जगह? हाँ, ये सब जाए थे ना, था ना गाड़ी जैसे इस डेटा से पूरा झाड़ा ना, तो उस समय देखे हम क्या कि तो पूरा गाड़ी पूरा पिकअप भाग जा रहा, और 220 से गाड़ी के था वो सब, दो लड़का था, दो बस, हाँ पल्सर 220 और दो। कौन कलर था? कलर था क्या बोलता है, ब्लू टाइप था। दो लड़का? हाँ दो लड़का था, और दोनों सब पतले पतले लड़का है, कोई मोटा नहीं, सब पतला पतला लड़का है। क्या नाम है आपका? संतोष। आपका भी यहीं दुकान है? हाँ मेरा दुकान है, फल बेचते हैं यहाँ पर। पुलिस को फोन किया गया उसके बाद? नहीं पुलिस फोन नहीं किया, पुलिस यहाँ पर आया तब हम लोग उनको बोले कि एक बार जाके बोल दीजिए, तो वही हम लोग वहाँ भी बोले। ये अंदर क्या कर रहे थे यहाँ? अंदर भाई पूछ रहे थे कैसे क्या हुआ, घटना के बारे में पूछ रहे थे। ना वो सब तो अभी नहीं देखा है, पूछ रहे थे कैसे क्या हुआ है। पैसा आपका था या आप किसी के अंदर काम करते हैं उनका था? नहीं अंदर काम करते हैं उन्हीं का। किस चीज़ का व्यवसाय है? सब्जी का, सब्जी जिसे आता है। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं तनुज मासूम। राजधानी पटना की सड़कों पर लूट और छिनतई की घटना आम हो चुकी है। हर दिन एक नया चैप्टर जुड़ते जाता है लूट और छिनतई की। बदमाश इतने बेखौफ हो गए कि दिन दहाड़े मीठापुर में एक व्यवसायी के साथ ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। क्या नाम है आपका? गुड्डू पासवान। क्या हुआ आपके साथ घटना? पैसा लेकर जा रहे थे झोला में, छीन ली बैग, दो बैग से आए और आगे से सामने से साइड से छीन कर लेकर भाग गए। क्या करते हैं? मुंशी हैं हम सब्जी मंडी में, जैसे कि गद्दी है तो मुंशी का काम करते हैं। कहाँ लेके जा रहे थे पैसा? गद्दी पर लेके जा रहे थे, आगे मेरा ऑफिस है वहीं पर लेके जा रहे थे। कितना पैसा था? वही 42,000 कुछ रुपया था। किस जगह पे ये घटना हुई? घटना यहीं पे हुआ बस, बर्फ में। हाँ थाना से आया है, कितना देर बाद थाना आया है फोन करने के? कितना देर बाद थाना आ लो? यही लगता है फोन नहीं किए, जैसे आए जैसे लोग बोला गया फोन किए नहीं है। कैसे हुआ आप जैसे झोला लेके जा रहे थे, कितना संख्या में लोग थे? वो दो के ही संख्या में थे, जो पीछे बैठे हुए थे, कुछ गाड़ी पैक चला रहा था, चलते चलते खींच लिया। हाँ सामने से आया, जैसे ऐसे सामने से आए, ऐसे 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 बस पीछे जैसे खींची, बस घूम के हम धड़ा लेकिन नहीं धरा पाया। हाथ में हथियार हथियार कुछ था ना? वो सब किसी कुछ कुछ नहीं था। आप थे उस जगह? हाँ ये सब जाए थे ना, था ना गाड़ी जैसे इस डेटा से पूरा झाड़ा ना, तो उस समय देखे हम क्या कि तो पूरा गाड़ी पूरा पिकअप भाग जा रहा, और 220 से गाड़ी के था वो सब, दो लड़का था, दो बस, हाँ पल्सर 220 और दो। कौन कलर था? कलर था क्या बोलता है, ब्लू टाइप था। दो लड़का? हाँ दो लड़का था, और दोनों सब पतले पतले लड़का है, कोई मोटा नहीं, सब पतला पतला लड़का है। क्या नाम है आपका? संतोष। आपका भी यहीं दुकान है? हाँ मेरा दुकान है, फल बेचते हैं यहाँ पर। पुलिस को फोन किया गया उसके बाद? नहीं पुलिस फोन नहीं किया, पुलिस यहाँ पर आया तब हम लोग उनको बोले कि एक बार जाके बोल दीजिए, तो वही हम लोग वहाँ भी बोले। ये अंदर क्या कर रहे थे यहाँ? अंदर भाई पूछ रहे थे कैसे क्या हुआ, घटना के बारे में पूछ रहे थे। सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब देखे? ना वो सब तो अभी नहीं देखा है, पूछ रहे थे कैसे क्या हुआ है। पैसा आपका था या आप किसी के अंदर काम करते हैं उनका था? पैसा नहीं, अंदर काम करते हैं उन्हीं का था। किस चीज़ का व्यवसाय है उनका? सब्जी का, सब्जी जिसे आता है भारत कमीशन एजेंट है। तो जैसा कि आपने सुना कि पल्सर बाइक से दो लड़के थे और काफ़ी स्पीड में थे, उनके हाथ से झोले पर झपट्टा उन्होंने अपराधियों ने मारा और छिनतई की इस घटना को अंजाम देकर रफू चक्कर हो गए। मौके पर जकनपुर की पुलिस टीम भी यहां पहुंची और तमाम दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आएगी उसको देखा जा रहा है। हालांकि पीड़ित का कहना है कि वो उस दुकान में मुंशी का काम करते थे, जिनके पैसा को लूटा गया है, जिनके साथ छिनतई हुई है। बीच सड़क ये देखिए दुकान हम आपको दिखा रहे हैं कि इस जगह पर उनका दुकान है और ये मीठापुर का बीच सड़क है, और बीच सड़क पर दिन दहाड़े ऐसी घटना घटित हो जाना, ये कहीं ना कहीं एक पटना पुलिस की साख पर पड़ जाती है कि किस तरह से भरे बाजार, देखिए बाज़ार की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भरे बाजार ये घटना को अंजाम अपराधियों ने दे दिया है। इस लूट की घटना को दो अपराधियों ने अंजाम दिया, मोटरसाइकिल से आए और छीन कर इस ब्रिज पर चढ़कर रफू चक्कर हो गए। ये छिनतई की घटना पटना की सड़कों पर काफ़ी आम हो चुकी है, मोबाइल छिनतई और लोगों से पैसे की छिनतई ये हर दिन का सिलसिला हो गया है। पटना की सड़कों पर लोग इस तरह के कैश को कैरी करना या फ़ोन से बात करते हुए जाना ये कतई सुरक्षित पटना की सड़कों पर नहीं रह गया है। बीच बाज़ार भरे सड़क, लोगों से खचाखच सड़क ये भरी हुई, और इस दौरान
छिनतई की इस घटना को अंजाम देकर अपराधी रफू चक्कर हो गए, तो कहीं ना कहीं गश्ती दल और पटना पुलिस की मुस्तैदी पर ये सवाल खड़ा होता है। रिपब्लिकन न्यूज़ के लिए तनुज मासूम, पटना। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।